इन लड़कियों का कहना है भाई कि हमारी टाइमिंग आई है और फिर भी हमें फेल कर दिया। 100 में से 2 बच्चों को पास कर रहे हैं बस। ये देख लो, एक बार भीड़ चेक करो। अभी सारी लड़कियां जो अंदर से फिजिकल देकर आई है ना, वहाँ पे यहाँ पे बाहर आने के बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सुनने में आ रहा है कोई पैसे मांग रहा था उनसे अंदर, और इसी वजह से धरना प्रदर्शन कर रही थी वो लड़कियां। और पुलिस वाले अपनी जिप्सी में बिठा कर उन्हें ले गए हैं और एक बस में ले गए हैं लड़कियों को। तो भाई पता नहीं क्या सीन था, लड़कियों ने कहा अंदर मतलब धांधली वगैरह चल रही है। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रही हो और आपने यहाँ पे फिजिकल मारा है तो कमेंट करके बताओ कि ऐसा कुछ है यहाँ पे, धांधली वगैरह हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि देखो इतनी भीड़ सिर्फ इसी वजह से हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले भी आ चुके हैं इसी चक्कर में। तो यही है, और अपडेट मैं देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और मैंने रनिंग की वीडियो तो लड़कियों की बनाई है, उसमें भी बहुत कम लड़की पकड़ी गई है, मतलब बहुत कम क्वालिफाई कर पा रहे हैं उसमें भी। तो देखते हैं जो भी रहेगा, मैं अपडेट देता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी लड़कियाँ आ रही है सब डिस्क्वालीफाई होकर आ रही है, और बहुत गुस्से में भी है, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी है जो बहुत मेहनत करके आई थी और वो भी सिलेक्ट नहीं हो पा रही, वो भी फिजिकल में सिलेक्ट नहीं हो पा रही। बता रहे हैं कि घड़ी, वो खुद घड़ी से टाइम, बहुत सी लड़कियों से बात हुई वीडियो बनाने को तो मना करी थी उन्होंने, लेकिन बता रहे कि 8 मिनट के अंदर अंदर वो आ गई थी टाइम बता रहे हैं घड़ी का, और जो उनके पैर में चिप लगाई गई थी उसमें टाइम ज़्यादा आ रहा है और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये सब अभी कुछ प्रूव करने के लिए है नहीं किसी के पास। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो भाई कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ कि क्या सच में कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे या फिर नहीं, क्योंकि और बच्चों की भी भर्ती होने वाली है, लड़कों की भर्ती है कल से, तो उन्हें भी पता लग जाएगा क्या है और क्या नहीं है, क्या सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। तो आप लोग ही बता सकते हो, क्योंकि मैं तो अंदर फिजिकल देने नहीं गया। जो फिजिकल देकर आए प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताओ।